हाय फ्रेंड्स माई सेल डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है ट्रेकियल स्टीनोसिस मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आखिर ट्रेकियल स्टिनोसिस क्या होता है तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन को ट्रेकिया में इन्फ्लामेशन या फिर स्कार टिश्यू के फॉर्मेशन के वजह से जो ट्रेकिया होता है वो पतला होने लग जाता है ट्रेकिया विंड पाइप होता है जो एयर को मूव करता है जब आप ब्रीथ करते हैं तो एयर को आपके नोज से लंग्स तक पहुँचाता है अगर किसी भी पर्सन का जो ट्रेकिया है वो नैरो हो जाए तो ऐसे पर्सन को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है ट्रेकिअल स्टिनोसिस दो टाइप का होता है एक है एक्वायर्ड और दूसरा है कॉन्जेनाइटल एक्वायर्ड ज़्यादातर बच्चों में या फिर एडल्ट में होता है ये कंडीशन किसी बीमारी के बाद या फिर कोई मेडिकल प्रोसीजर के बाद हो सकता है इसके अलावा जो कॉन्जेनाइटल ट्रेकिअल स्टिनोसिस है वो बाय बर्थ ही प्रेजेंट होता है अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ट्रेकियल स्टिनोसिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है कि पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होती है जब वो छोटे मोटे काम करते हैं कोई भी एवरीडे एक्टिविटीज़ हो गई जैसे कि अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं वॉकिंग कर रहे हैं तो उनकी सांस फूलने लग जाती है इसके अलावा आपको उनके चेस्ट से वीजिंग साउंड सुनाई देगा उनको बहुत ज़्यादा कफिंग होने लग जाती है ऐसे पर्सन को बहुत ही सीवियर कफिंग हो सकती है कफिंग में उनको म्यूकस आ सकता है ऐसे पर्सन को बार बार कोल्ड होने की चांसेस बढ़ जाते हैं उनको निमोनिया या फिर कोई अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स भी हो सकते हैं ऐसे पर्सन में एस्थमा भी देखा जाता है और इनका एस्थमा जल्दी से ठीक नहीं होता है इसके अलावा ऐसे पर्सन को कंजेशन फील हो सकता है उनको कई बार घुटन जैसा फ़ील होने लग जाता है चेस्ट में उन्हें हैवीनेस फील होता है ऐसे पर्सन का जो ब्रीदिंग है वो कई बार स्टॉप होने लग जाता है जिसे एपनिया कहा जाता है और ज़्यादातर ये कंडीशन पर्सन को स्लीप टाइम में हो सकती है अगर ट्रेकियल स्टिनोसिस किसी छोटे बच्चे में होता है तो उनको कुछ डिफरेंट सिम्टम आ सकते हैं जैसे कि ऐसे बच्चे को बॉटल फीडिंग करने में या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है उन्हें डिफ़िकल्टी हो सकती है ऐसे बच्चे जब फीड करते हैं तो कई बार वो चौक होने लग जाता है उन्हें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होने लग जाती है ऐसे बच्चों की जो गम्स है या फिर जो उनके नोज़ के आसपास के स्किन है वो ब्लू कलर की हो सकती है ऐसे बच्चों की जो ब्रीदिंग है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी होती है अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या, -क्या रीज़न है किसी पर्सन को ट्रेकियल स्टीनोसिस होने का तो इसके लिए कई सारे इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जैसे कि अगर किसी पर्सन को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था किसी पर्सन को ट्यूबर कलॉसिस हुआ था तो उसके बाद ऐसे पर्सन को स्टिनोसिस हो सकता है कुछ वायरल इन्फेक्शन के बाद भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है इसके अलावा और भी कई सारी इन्फ्लामेटरी कंडीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है जैसे कि अगर किसी पर्सन को लंग्स में सार्कोडोसिस हुआ है या फिर अगर किसी पर्सन की ट्रेकियोस्टोमी हुई थी इसके अलावा अगर किसी पर्सन को ट्यूमर हुआ है कोई भी तरीके का ट्यूमर हो सकता है गिनाइन या फिर मेलिग्नेंट अगर वो ट्रेकिया को प्रेस करता है तब भी पर्सन को ट्रेकियल स्टिनोसिस हो सकता है ट्रेकियल स्टिनोसिस अगर छोटे बच्चे को होता है तो उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि अगर जो बच्चा प्री मेच्योरली डिलीवर हुआ है ऐसे बच्चे का जो लंग्स है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता उसके वजह से उन्हें आगे चल के ट्रेकिअल स्टिनोस हो सकता है अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज कर सकते हैं तो मेडिसिन जैसे कि आप स्टेफी सेग्रिया थर्टी मेडिसिन इसके अलावा आप थायोसिनमिनम थर्टी मेडिसिन या फिर आप हाइपरिकम थर्टी मेडिसिन का यूज कर सकते हैं ये सारी की सारी मेडिसिन आपको फोर फोर ड्रॉप दिन में दो बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज करना होगा सो so, फ्रेंड्स ये था ट्रेकिअल स्टिनोसिस मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं मैं आपको रिप्लाई करूँगी तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू